महाराष्ट्र की टनक्य कंस्ट्रक्शन कंपनी TPPL टच ट्रिक्स प्रोजेक्ट PVTL TD कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर SM अली पिछले 15 सालों से टनक्य प्रोजेक्ट इंटीरियर फिट आउट MEP सर्विस और कंप्लीट सिविल कंस्ट्रक्शन करती है। ये PAN इंडिया बेसिस में ब्रांचेस हैं। नागपुर, अमरावती, परतवाड़ा और अंजनगांव जैसे एरियाज में सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कर रही हैं और रेसिडेंटियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड यू विल गेट ऑल सॉल्यूशन इन अ वन रूफ। इसमें हम लोग इंटीरियर फिट आउट MEP सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर फिट आउट में वी प्रोवाइड अ कंप्लीट फॉर द फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग्स, और इसमें हमारे पास में इंटीरियर फिट आउट में आर्किटेक्ट्स विथ ओन इन हाउस डिजाइंस। MEP में हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग्स और कंप्लीट फायर फाइटिंग पैकेजेज विथ डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। और सिविल कंस्ट्रक्शन में वी प्रोवाइड अ कंप्लीट फॉर द सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सिविल ड्राइंग्स एंड ऑल इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें TPPL टेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एडवांटेज ये है कि यू विल गेट अ प्रोफेशनल टीम, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और इसका खासियत यह है कि लास्ट 15 ईयर से ये नागपुर में इस्टेब्लिश्ड है। ये वर्क कर रही है विद पैन इंडिया बेसिस पे, जहाँ के नागपुर में हम लोग में IT सेक्टर्स, बिहार में ग्लोबल लॉजिक्स, एक्सर टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट डाटा, TCS, मैक्सिमम बिहार सेक्टर्स में हम लोग इंटीरियर फिट आउट कंस्ट्रक्शन और MEP फायर फाइटिंग का जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कम्प्लीट किए हैं सक्सेसफुली। इसके अलावा अमरावतीज में दिगर जितने भी नांदगांव MIDCs है, अमरावतीज में अचलपुर, परतवाड़ा, अंजनगांव, इस तरीके से हम लोग काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के सिविल्स के जो चल रहे हैं। तो इसकी खासियत यह है कि हम लोग इसमें टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ के आपको आर्किटेक्ट्स, सिविल, उसके बाद में स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये सारे चीज़ें यू विल गेट इन अनवंडर इन अ वन रूफ, ये मिलता है। अली साहब, अगर मैं बात करूँ नागपुर में जिस तरीके से वर्क हो रहा है, आप जो वर्क की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? आप मिहान में भी काम कर रहे हैं, आपने दिल्ली भी काम किया हुआ है, आपने इंडिया छोड़ के बाहर देश में भी जाके काम किया, दोनों में फर्क क्या है नागपुर पर जिस तरीके से वर्तमान अगर नागपुर में काम देखा जाए? अभी फिलहाल इस तरीके से कि नागपुर में काफी पोटेंशियल चल रहा है वर्क का, प्रोजेक्ट काफी बूम में है, और इसकी खासियत TPPL टेक्टिक्स प्रोजेक्ट्स की यह खासियत है कि हमारा इस्टेब्लिश्ड है ब्रांचेस पैन इंडिया से। हम लोग नागपुर, इंदौर, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में ये हमारे ब्रांचेस सेटअप है। तो हमारे जितने भी टीम्स हैं वहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन टीम्स हमारा सेटअप है। तो हम लोग वहाँ से जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं उसको इनलाइन हम लोग ऑर्डर लेके वहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं विद वेरी प्रोफेशनल टीम। तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि काफ़ी दिगर एरियाज में हमारे सभी जगह ब्रांचेस है। अमरावती में हमारा एक सेल्स पर्सन है, हम लोग अमरावती में सेल्स करते हैं, अलग विदर्भ में हम लोग कवर कर रहे हैं, बॉम्बे में वी हैव द टीम फॉर द सेल्स। So that is the very good platform. Actually, we have achieved a very and we execute very successfully all the projects. मैंने आपसे पूछा काम पे फर्क, यानी क्वालिटी को लेके क्या है? क्वालिटी को लेके यह है कि हम लोग क्वालिटी, वी डोंट कम्प्रोमाइज इन अ क्वालिटी। हम लोग जो क्वालिटी कस्टमर से हम लोग पहले ही इसमें पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देयर रिक्वायरमेंट वी प्रोवाइड 100% सोल्यूशन एंड सेटिस्फेक्शन विद द क्लाइंट एंड विल गेट ऑल द सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट्स। जैसा कि रिसेंटली अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सबमिट लिया है चिकलदरा का, ये वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल चिकलदरा, यहाँ से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने कम्प्लीट किया है। तो इस प्रोजेक्ट का ये हमें एक मुझे सम्मानित किया गया एज अ टेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एज अ आई एम अ डायरेक्टर, ये मुझे सम्मानित किया कि मैंने सिविल और इंटीरियर के काफ़ी सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हम लोगों ने कम्प्लीट किए हैं। तो हमारा फर्क ये होता है कि हम लोग क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को बहुत प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ कम्प्लीटली चैन एंड सेकल प्रोसेस। अगर हम लोग एक बार अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया है तो हम लोग को डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हमें मिलना ही है करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी से हटकर फ्यूचर में आपकी कंपनी के थ्रू जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के तहत अगर देखा जाए घर प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंस करके, तो आप कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के लिए जो आम जनता जो घर अपना सपना तो देखते हैं लेकिन वाकई पे नहीं बना पाते? यस, जो PMYY जो चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
इसके तहत हम लोग लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं जो इस मद्देनज़र जो कि इस काबिलियत नहीं रखते हैं, जिनके फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, तो इसमें हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है गवर्नमेंट के तहत, इसमें हम लोगों को अवेयरनेस लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अब यहाँ से फॉर्म मिलते हैं। तो इसका हमारा मद्देनज़र यही नहीं कि हम लोगों को इसमें हम लोग गवर्नमेंट में सेक्टर में भी हम लोग PMYY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें हम लोग गवर्नमेंट में भी हम लोगों को एक प्रोजेक्ट कर रहा है, और लोगों को जो गरीब तबका लोग है इसमें भी गरीबों को भी हम लोगों को अवेयरनेस बता रहा है कि आप इस तरीके से पोजीशन से आप ये फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ से आवास योजना के तहत अपना कैपेबिलिटी शो करके सारी चीज़ें बता के आप वो आवास योजना का घर तहत ले सकते हैं गवर्नमेंट के अंडर जो स्कीम चल रहा है। अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम में मेड़घाट में चुरनी काटकुम में अलग अलग मेड़घाट एरियाज में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे इंक्वायरीज हमारे पास चल रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में हम लोग उसे सक्सेसफुली हैंडओवर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से TPPL टेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी अच्छी तरीके से रेसिडेंशियल कमर्शियल और मॉल्स मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करके काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में सब जगह में एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं www.tectricsprojects.com। मोबाइल नंबर मेरा 9765770786। मैं SM अली कंपनी फाउंडर डायरेक्टर ऑफ टेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।